आज मैं बात करने वाला हूँ लो लेटेंसी डेवलपर के बारे में। लो लेटेंसी डेवलपर कौन होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार की कंपनियां इनको हायर करती हैं, इनकी मिनिमम सैलरी कितनी होती है और इतनी ज्यादा जो सैलरी इनकी होती है इतनी ज्यादा क्यों होती है, अभी आपको मैं लैपटॉप पे ले जाकर दिखाऊंगा कि इनकी किस प्रकार मतलब जो वेबसाइट है किस प्रकार की वेबसाइट पे आपको लो लेटेंसी डेवलपर की जॉब देखने के लिए मिल जाएंगी और इतनी ज्यादा सैलरी आपको क्यों दी जाती है, वो सारी चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार की कंपनियां इनको हायर करती हैं। जो सर्विस बेस कंपनियां होती हैं वो इनको हायर नहीं करती हैं। सच्चाई ये है कि 99.9% ये लोग हायर आपको नहीं करेंगे। लो लेटेंसी डेवलपर के अंदर आज के समय में अगर आप देखो जॉब ढूंढ रहे हैं, केवल लो लेटेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक सेक्टर के अंदर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको नैरो होना पड़ेगा। नैरो का मतलब है कि आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपने जो स्किल सेट सीखी है उस स्किल सेट का यूज किस प्रकार की कंपनियां कर रही है, तब आपको उस मतलब जो आपको कंपनी का वो मिल जाएगा कि इस प्रकार की कंपनी मैंने जो स्किल सीखी है इस प्रकार की यूज केस करती है, तब आप उस कंपनी के अंदर बहुत ही इजीली पहुंच पाएंगे। तो अगर लो लेटेंसी डेवलपर की स्किल अगर आप सीख रहे हैं या आप अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार की कंपनियां इसको हायर करेंगी। सर्विस बेस्ड मोस्टली नहीं करेंगी। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर सिनेरियो डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर कंपनी स्केलेबल उसकी बड़ी है, उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, तो वो जरूर जनरेट करेगी, मतलब जरूर आपको लेगी लो लेटेंसी डेवलपर को, क्योंकि जो लेटेंसी बर्ड है ना यहाँ पे, उस बर्ड का मतलब ही होता है डिले को रिड्यूस करना। उनका हर एक मिली सेकेंड, हर एक नैनो सेकेंड डिपेंड करेगा इस बात पे कि इनकी कितनी ज्यादा सेल होनी चाहिए। अगर एक सेकेंड या एक मिली सेकेंड का भी डिले अगर एक यूजर को रोकता है और इस यूजर उसको बाय नहीं करता है तो उनके लिए बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। तो इसीलिए प्रोडक्ट बेस के अंदर सिनेरियो डिपेंड करता है कि उस कंपनी का रेवेन्यू कितना हाई है, उसी के बेस पे आप लो लेटेंसी डेवलपर के लिए अप्लाई करिए। लेकिन दो प्रकार की कंपनियां ऐसी होती हैं कि जिनको हमेशा जरूरत रहती है लो लेटेंसी डेवलपर की बेहतर से बेहतर तरीके से उसकी यूज केस की। सबसे पहली जो कंपनी होती है वो होती है लाइव स्ट्रीमिंग वाली। जितने भी ऐसे एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं जिन कंपनी के द्वारा, कि वो लाइव बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनके अंदर हर एक चीज़ बिल्कुल लाइव, बिल्कुल टाइम टू टाइम उनको दिखानी है, हर एक समय पे टाइम टू टाइम अपडेट करनी है, 24 घंटे वो उनका ऐप या वेबसाइट उनकी काम करते रहनी चाहिए। तो इस प्रकार की जब भी अपन ऐप या वेबसाइट बनाते हैं तो उन वेबसाइट के अंदर लो लेटेंसी डेवलपर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं बात करूँगा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन उसके पहले दूसरी जो प्रकार की कंपनी होती है वो कौन सी होती है, ट्रेडिंग वाली। जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन जनरेट करती है, ट्रेडिंग एप्लीकेशन क्रिएट करती है, उस प्रकार की कंपनी हमेशा लो लेटेंसी डेवलपर को डिमांड में रखती ही रखती है, उनको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब इसको आप दो मतलब इसके आप जो दो स्तंभ मान सकते हैं वो ये मान सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंस और लाइव स्ट्रीमिंग। जो बैंकिंग फाइनेंस वाली जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सारी जो फिनटेक कंपनी है वो सारी क्या करेंगी, वो सारी आपको मतलब लेने के लिए तैयार आएंगे, लो लेटेंसी डेवलपर को लेने के लिए तैयार रहती हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर लो लेटेंसी डेवलपर तो आता ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको आने चाहिए, वो मैं अगली वीडियो के अंदर बात करूंगा इस बारे में। लेकिन लो लेटेंसी डेवलपर के बारे में अगर मैं बताऊँ उसको, जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अंदर क्या यूज केस होता है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आप मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले लो लेटेंसी डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर तरीके से नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। नेटवर्किंग के अंदर तो सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो आती है TCP और UDP। इन दोनों के साथ किस तरीके से आपका जो बनाया हुआ ऐप है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, कैसे जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, अगर आपका कोई सर्वर या नेटवर्क आपका सही तरीके से IP अगर आपकी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो कंटिन्यूसली उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करना रहता है, तो वो कॉन्टेक्स्ट स्विच किस तरीके से करेगी। इसी के अंदर एक चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है, वो है मेमोरी। अब मेमोरी का जहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जिस प्रकार की आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उसी के बेस पर आपका जो मेमोरी है और जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। सबसे कॉमनली यूज होने वाले लो लेवल के लिए मतलब लो लेटेंसी डेवलपर के लिए जो सबसे कॉमन यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है C++, पाइथन और गो लैंग्वेज। ये सबसे बहुत ही कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी इसके अंदर यूज की जाएंगी, किसके अंदर, लो लेटेंसी डेवलपर के अंदर। अभी क्यों यूज की जाती है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि C++ बहुत ही फास्ट रन करती है, इसका मेमोरी जो ब्लॉकेज होता है वो बहुत ही कम होता है। हमेशा कंसिडर किया जाता है कि लो लेटेंसी डेवलपर को नॉन ब्लॉकिंग मॉडल बहुत अच्छे से आना चाहिए। नॉन ब्लॉकिंग मॉडल अगर आपका अच्छे से नहीं आएगा, लेटेंसी डेवलपर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बहुत ही सिंपल सी भाषा के अंदर। मेमोरी के अंदर दो पोर्शन होते हैं,
एक होता है गार्बेज वाला, एक होता है यूज केस वाला जो कंटिन्यूसली चलता है, और इसी से एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है कैचे बुकीज का। इन तीनों की नॉलेज आपको बहुत ही गहराई से होनी चाहिए, गार्बेज मेमोरी, यूज मेमोरी, यूज केस मेमोरी और यहाँ पे कैचे बुकीज। इन तीनों की जो नॉलेज है वो आपको अगर प्रॉपर तरीके से है, उसको अगर आपने नेटवर्क के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना सीख लिया, उसके बाद आपका आता है लॉजिक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको मालूम है लॉजिक बहुत यहाँ जरूरी है, और जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन जितने भी होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा लॉजिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा लॉजिक होते हैं, और एक दूसरे लॉजिक को आपको लाइव तरीके से, कैसे लाइव, बिल्कुल लाइव आपको क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। तो इसीलिए इस लॉजिक को इसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसका अगर सिनेरियो देखो तो सबसे पहले आता है नेटवर्क, उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद अपने आते हैं लॉजिक, और फिर अपना आता है पूरे ऐप को क्रिएट करने के लिए लैब के सिनेरियो को समझना। लैब के सिनेरियो को समझना बहुत ही आसान है, दो चीजें आप सीख लीजिए, या तो आप वेब आरटीसी के बारे में सीख लीजिए, या फिर आप वेब सॉकेट के बारे में सीख लीजिए। दोनों में से अगर आप किसी एक के ऊपर आप थोड़ा सा मास्टरी कर लेंगे, इनके फंक्शंस, इनकी प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है, इनके पीछे किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज हुई है, उसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सी प्लस प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, अलग अगर आप पूरी तरीके से लो लेटेंसी डेवलपर के अंदर जाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये जो नेटवर्किंग, मेमोरी, लॉजिक और यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जितनी भी चीजें उसके अंदर जरूरत है, वो अपन एक जो लाइव स्ट्रीमिंग के स्पेशल है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप वेब आरटीसी सीख लीजिए या वेब सॉकेट सीख लीजिए, दोनों की अगर आपने बिहाइंड द टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके अगर सीख लिया तो आप इजिली लो लेटेंसी डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो मिनिमम टाइम लगता है, अगर घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इसके अंदर जो मिनिमम टाइम लगता है, अगर आप इनएक्सपीरियंस हैं, बिल्कुल फ्रेशर से इसको सीखना चाहते हैं, पूरी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एक साल का समय दे सकते हैं, एक साल का मिनिमम और मैक्सिमम समय बोल सकते हैं इसको, कि बिल्कुल एक सही समय है कि जितना आपको लो लेटेंसी डेवलपमेंट के लिए लगेगा, और आप इजीली उसके लिए पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से जो लॉजिक बिल्डिंग है वो भी आपको आ जाएगी, 4-5 महीने लगातार, और नेटवर्किंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंटिन्यूसली सीखना पड़ता है, क्योंकि ये भी लगातार अपडेट होता रहता है। और नेटवर्किंग के अंदर भी बहुत सारे ऐसे छुपे हुए कॉन्सेप्ट हैं कि जब आप उसको गहराई से जाएंगे तब आपको और ज़्यादा गहराई मालूम पड़ेगा कि जो नेटवर्किंग के साथ एक दूसरे सर्वर के साथ जो कनेक्शन बनते हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये था अपना थ्योरेटिकल किस तरीके से इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। अब जाके देखते हैं कि सैलरी आपको कितनी क्या मिलती है, कौन सी वेबसाइट होती है कि जहाँ पे आपको ये वाली सैलरी मिलती है, और इतनी सारा सैलरी इसकी क्यों दी जाती है वो भी आपको वहाँ पे मालूम पड़ेगा। आ चुके हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो सैलरी है इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का यूज किया जाता है। जो चीज़ें अगर आपने नहीं सीखी हैं तो वो सारी चीज़ें अपन आप सीख सकते हो, कि कुछ चीज़ें अगर आपको मिसिंग रह गई हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट है simplyhire.com, यहाँ पे देखो 129 यहाँ पे लो लेटेंसी डेवलपर जो अभी फिलहाल के अंदर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप सैलरी देखो, सैलरी यहाँ पे है $220,000 पर ईयर। अगर मैं यहाँ पे 220 के डॉलर इंटू अगर मैं रिपी करूँ यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1,25,000, 10,000, 10,00,000, 1,82,00,000 यहाँ पे नॉर्मल सैलरी है। ठीक, ए तो है ए वाली। अब अगर थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है यहाँ पे लो लेटेंसी डेवलपर की जॉब, यहाँ पे उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बात रखी है। यहाँ पे इनकी जो कंपनी है वो हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे डॉलर जो है वो $250,000 से शुरू ही हो रही है। अगर तुम यहाँ पे 250,000 यानी कि 250K अगर तुम यहाँ पे कर दोगे ना, तो यहाँ पे देखो 2 करोड़ ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा और नीचे अगर आओगे तो इसके अंदर आपको सारी जितनी भी हैं वो यहाँ पे इस वाली के अंदर तो मतलब लेवल ही अलग है। यहाँ पे देखो $250,000 से $600,000 तक, गलती से अगर 600,000 तो छोड़ो, अगर 500,000 पे भी अगर आप पहुँच गए तो जो कितना रुपए होगा, 4,13,70,000 रुपए होने वाला है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है। देखो इसको सीखना डिफ़िकल्ट है, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, इसको सीखना डिफ़िकल्ट है। इन्होंने बताया नॉलेज ऑफ TCP IP UDP नेटवर्क टोपोलॉजी और सॉकेट प्रोग्रामिंग, जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले प्रोग्रामिंग मतलब जो वीडियो के अंदर बताया था, उसके बाद एक्सचेंज कनेक्टिविटी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है, जो कि ट्रेडिंग एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था।
देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अंदर ही मिलता है, ये बात पूरी गारंटी समझ लो। ये जो आप डॉलर 60,000 600,000 यहाँ पर जो देख रहे हो, इतना पैसा मिलता है, बहुत ही ईजिली मिलता है। लेकिन इसके लिए आपको ये वाली चीज़ें यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे डिग्री कंपलसरी है, डिग्री कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पे अगर 2 ईयर का, 1 साल का टच समय होता है फ्रेशर के रूप में जॉब पाने के लिए, इसमें किसमें C++ में लो लेटेंसी डेवलपर का जॉब पाने के लिए। लेकिन अगर आप 2 साल का समय दोगे तो आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। और भी अगर मैं, ये तो नॉर्मल एक वेबसाइट मैंने आपको बता दी, दूसरी वेबसाइट यहाँ पे अगर मैं खोलूँ यहाँ पे तो है ई फाइनेंशियल करियर। इस वेबसाइट के ऊपर भी लो लेटेंसी डेवलपर की बहुत सारी जॉब रहती हैं। यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर फ़ायदा क्या ना कि यहाँ से अगर आप क्लिक करोगे तो अलग अलग सिटी, अलग अलग जो अपने पास कंट्री हैं, इन कंट्री के अंदर आप इजीली चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क की एक खोल के रखी है जिसके अंदर $220K से $400K, $400K का आपको अंदाजा लग गया होगा कि मिनिमम 3 करोड़ रुपये इसके अंदर होने ही वाला है। ये देखो 3,30,96,780 रुपये इसके अंदर होने वाली है। इसके बाद जो मैंने लिंक्डइन का खोल के रखा है, लिंक्डइन पे भी ऐसी बहुत सारी जॉब हैं। लिंक्डइन के अंदर मोस्टली आपको इंडिया की जॉब देखने के लिए मिलेंगी। तो लिंक्डइन के अंदर देखो जॉब पाना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि इनको थोड़ा सा रीच आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जिनके बारे में बात कर रहा हूँ सिंपली हायर पे, इनको पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। केवल आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको फिर पूरी डिटेल यहाँ पे फिर भरने का मौका मिलेगा। मतलब यहाँ से आप पूरी डिटेल भर सकते हो, फिर आपको वो सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएंगी क्या क्या किस तरीके से लगना है। और जैसे जैसे आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते जाएंगे, कोई दिक्कत आती है मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड फिर वो 1-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो वो वाली जो वीडियो अगर मैंने बनाई तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर तरीके से इसमें रिसर्च बताऊंगा कि ना केवल रिसोर्सेज, ना केवल जॉब्स और रिसोर्सेज तो मैं बता ही दूंगा, उसके बाद स्पेसिफिक होके किसको किस तरीके से मेल डालना है, कहाँ पे मेल डालना है, किस तरीके से बिल्कुल फाइनेंस और ट्रेडिंग की कंपनियों को किस तरीके से फंड आउट करना है। शिकागो के अंदर इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग की कंपनियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। आप अकेला अगर शिकागो को टारगेट करके चलोगे ना तब भी आपका काम बन जाएगा, न्यूयॉर्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक होके इसके जॉब के बारे में रिसर्च करके अगर आप काम करेंगे, डेफिनेट आपको आज ईजिली जॉब मिल जाएगी। और 3 जगह मैंने आपको बता दी, ई फाइनेंशियल करियर, सिंपली एड और लिंक्डइन। और भी अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा अगर वेबसाइट या किसी के बारे में मालूम पड़ता है तो मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाऊंगा लो लेटेंसी डेवलपर के बारे में। लेकिन यहां से आपको अंदाजा जरूर लग जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप अभी किसी जॉब के अंदर मतलब पहले से हैं तो आप क्या करिए, आप पहले अपनी जॉब को परफॉर्म करिए, उसके बाद 1-2 घंटा डेली अपना ये समझता जाइए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे उसको आप मास्टरी के ऊपर आप लेते चले जाइए। तो आप 1-2 साल के अंदर बहुत ही ईजिली आप कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, चैनल के ऊपर आके कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आप कमेंट करेंगे तो आपकी हर एक कमेंट पढ़ी जाती है। देखो कमेंट सारी पढ़ी जाती हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट कोर्स रिक्वेस्ट आती हैं वो सारी कोर्स रिक्वेस्ट पढ़ी जाती हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए, आपकी एक एक करके जितनी भी जिसकी रिक्वेस्ट है वो सारी रिक्वेस्ट पूरी करी की जाएंगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। और इसके अंदर भी देखो यहाँ पर रिमोट वर्क भी है जो $60 पर आवर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।